लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। 30 साल से बॉलीवुड में काम कर रहे सलमान खान का कहना है कि इंडस्ट्री में उनका दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन वे कुछ लोगों को पसंद नहीं करते और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान ने एक अंग्रेजी एंटरटेनमेंट न्यूज वेबसाइट से बातचीत में यह बात कही। माना जा रहा है कि सलमान ने दुश्मनों के बहाने ऋषि कपूर पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से ऋषि कपूर और सलमान का विवाद मीडिया में छाया हुआ है। इंटरव्यू में सलमान ने कहा कि वे ऐसे इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो उनकी और उनके परिवार वालों की इज्जत नहीं करता। सलमान ने यहां यह भी कहा कि बॉलीवुड में ऐसे एक या दो परिवार ही हैं जो उनकी फैमिली को सम्मान नहीं देते। सलमान की माने तो उनके घर में ऐसे लोगों की एंट्री कभी नहीं हो सकती। 8 मई को सोनम कपूर के रिसेप्शन के दौरान सलमान के छोटे भाई सोहेल खान की वाइफ सीमा से ऋषि कपूर की बहस हुई थी। ऋषि बार बार सीमा से सलमान के बिहेवियर के बारे में शिकायत कर रहे थे। बातों से शुरू हुआ यह सिलसिला बहस में तब्दील हो गया। जब सीमा ने सलमान को ऋषि की यह बात बताई तो वे भी अपसेट हो गए। हालांकि बाद में नीतू कपूर ने पति ऋषि की ओर से सोहेल से माफी मांग ली थी। बताया जाता है कि ऋषि को रिसेप्शन के दौरान यह बुरा लगा था कि सलमान बाकी स्टार्स के साथ गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे, लेकिन उनसे उन्होंने ठीक से मुलाकात भी नहीं की।